हेलो गाइस, वेलकम टू द अरेंज मीडिया। तो गाइस, ये है मेरा एनिमेशन का पहला वीडियो जिसमें कि मैं बात करूंगा इनक्रेडिबल 2 के बारे में, जिसके काफी सारे अपडेट आए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी एक्सपो 23 के, जिसमें कि डिज्नी ने अपने सारे कैरेक्टर शो करे और मे बी अपकमिंग डिटेल्स रिलेटिव उन्होंने हर कंपनी को शो करा कि उन्होंने कौन कौन सी कंपनी खरीद ली है। और अब उनकी फॉक्स से बात चल रही है। तो डिज्नी की कुछ अपकमिंग एनिमेशन मूवी जिसमें कि इनक्रेडिबल 2, जो कि मेरी फेवरेट एनिमेशन सुपर हीरो मूवी है और शायद मे बी आपकी भी है। तो काफी मेरे पे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इनक्रेडिबल 2 के जो अपडेट्स आए हैं वो है, सबसे पहला अपडेट कि ये मूवी 2018 में रिलीज होगी, वो भी 15 जून को, जिसमें कि वो मंथ है जिसमें कि हमें काफी बड़ी मूवी देखने को मिलेगी, जैसे लाइक डेडपूल 2 और एवेंजर इंफिनिटी वॉर हम देख चुके होंगे। जब डिज्नी एक्सपो 23 में इसकी कास्ट रिवील करी गई तो मैं सबसे ज्यादा ये खुश था क्योंकि इसमें सैम जैक्सन यानी कि हमारे निक फ्यूरी इसको आवाज देंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। प्लस जो लोग हिंदी में देखते हैं उनके लिए आगे अपडेट। तो सबसे पहले लोगों ने पूछा कि इस मूवी में विलेन कौन होगा। तो मे बी इनक्रेडिबल 2 में आप जानते हो पॉसिबल जो विलेन होगा वो होगा अंडरमाइन। तो अंडरमाइन इस विलेन में कंफर्म कैसे हुआ, तो आप सब जानते हो जब ये मूवी का पहला पार्ट सब देख रहे थे तो उसमें जब वो रोबोटिक मशीन मारी गई और उसका सब कुछ तबाह हो गया, तो फिर उसके बाद एक कैरेक्टर निकल के आता है पोस्ट क्रेडिट सीन में अंडरमाइन। तो ये इनक्रेडिबल 2 में कंफर्म हो सकता है 100%। और एक पुराना कैरेक्टर जो वो आइसमैन जिसमें कि बर्फ की ताकत थी, वो इस मूवी में कंफर्म है, क्योंकि काफी लोगों के मन में सवाल था। प्लस ये मूवी में और एक और अपडेट आया है कि इस मूवी को अपडेट करेंगे यानी कि इसे अपनी आवाज देंगे शाहरुख खान। एक बॉब कैरेक्टर है जो कि काफी इनक्रेडिबल है और इसमें शाहरुख खान अपनी आवाज देंगे, तो ये कंफर्म हो चुका है। और इस मूवी का ट्रेलर 22 नवंबर को रिलीज होगा। तो गाइस, मुझे इस मूवी का काफी इंतजार है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पे तेज के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।